आज दूसरी बैठक हुई मंत्रिमंडल के पूर्ण गठन होने के बाद। देश के इतिहास में सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आज की बैठक में मंत्रिमंडल में लिया गया। लौड़ीगुड़ा बस्तर में टाटा को जो स्टील प्लांट के लिए जमीन आवंटित किया गया था CICDC के द्वारा, गांव लगभग 10 गांव के जमीन लगभग 1764.61 हेक्टेयर किसानों की जमीन स्टील प्लांट लगाने के लिए एक्वायर किया गया था। लीज डीड का पालन नहीं करने के कारण भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिकार अधिनियम 213 की धारा 101 के तहत ये प्रावधान है कि अगर 5 साल में जिस कार्य हेतु भू आवंटित अधिग्रहण करके किया गया था टाटा को 5.5 मिलियन टन पर एनम स्टील प्लांट लगाने के लिए लोहड़ीगुड़ा विकासखंड बस्तर जिला के 10 गांव की जमीन, गांव का नाम अभी अकबर भाई बता देंगे, इतना एक्विजिशन किया गया था। उस जमीन को आज मंत्रिमंडल के फैसले में ये निर्णय लिया गया कि इस धारा 101 के तहत जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित किया गया था उन किसानों को उनकी सारी जमीन वापस किया जाएगा। लगभग 72 करोड़ 90 लाख 37 हज़ार 951 ये मुआवजा की राशि तय किया गया था। उसमें कुछ किसानों को दिया जा चुका था, बहुत किसानों का शेष भी था। 5 साल तक प्लांट नहीं लगाने का जो प्रावधान है उसका पालन नहीं करना, मतलब लीज डीड का पालन नहीं करने के कारण राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि उन जमीन को वापस उन किसानों को दे दिया जाए। टाटा ने स्वयं ये जो MOU हुआ था वो 2005 का MOU था, 4/6/2005 को, और टाटा ने स्वयं 3 फरवरी 2016 को प्लांट लगाने की असमर्थता, विभिन्न कारणों से उन्होंने असमर्थता व्यक्त की थी। तो जब टाटा प्लांट लगा ही नहीं पाया तो लैंड एक्विजिशन 2013 के तहत राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि उन सभी किसानों को ये ज़मीन वापस कर दिया जाए। 1 महीने के अंदर मुख्य सचिव जी जमीन वापस करने और उससे और जो संगतियां विसंगतियां हैं उसके संदर्भ में निर्णय लेंगे, लेकिन सिद्धांता सरकार ने ये निर्णय मंत्रिमंडल का ले लिया कि किसानों के को पूर्ण जमीन वापस किया जाए। डिटेल, ये जो टाटा के साथ MOU हुआ था 4/6/2005 5.5 मिलियन टन पर एनम प्रतिवर्ष 5.5 मिलियन टन, जिन ग्रामों की जमीन अर्जित की गई थी उसमें कुमली, छिंदगांव, बंडा जी, बेलर, टकरागुड़ा, धूरा गांव, बेलियापाली, बड़े पदोरा, दाबपाल और सिरसागुड़ा, टोटल जमीन 1784.22 हेक्टर, इसमें निजी जमीन 72.90 हेक्टर। ये जो राशि जमा की गई थी, टोटल जमीन जो है 1784.22 हेक्टर निजी और 72.90, और ये जो 1784.22 हेक्टर निजी भूमि थी, खातेदारों की संख्या 1707 टोटल, शासकीय भूमि 173.03 और छोटे बड़े झाड़ का जंगल 105.81 टोटल जमीन 2043.45 हेक्टर। ये इतनी ज़मीन थी जिसमें से शासकीय ज़मीन पहले से ही शासन के पास है, छोटे बड़े झाड़ का जंगल
अभी जो निर्णय हुआ है, निजी जमीन जो अर्जित हुआ था वो जमीन उन किसानों को वापस किया जाना।